गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? आई होप सबका सबने एंजॉय किया होगा इन 3 दिन में और अपना वर्क भी कंप्लीट किया होगा। लेकिन मुझे जो 5th क्लास में EVS का होमवर्क कुछ ही बच्चों का आया, सबमिट किया कुछ नियर अबाउट 4 और 5 स्टूडेंट ने, आपके में 20-25 स्टूडेंट हैं, तो सभी का होमवर्क सबमिट होना चाहिए ना। कोई ऐसा वो था नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको वर्क हो या बहुत ज़्यादा आपको राइटिंग वर्क करना हो नोटबुक में करना, आपको सिर्फ आपको बुक में ही करना था, ठीक है। तो मैं आज आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपका टुडे आप बिफोर 5 PM उसको सबमिट कर देंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 3rd chapter ऑफ EVS, डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंटल जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। ओके, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। एक सीड कैसे, सीड से एक स्टोरी है, सीड से आपका क्या बनता है, प्लांट, प्लांट से फिर एक मैच्योर प्लांट, फिर आपका ट्री बनता है। तो एक पूरी होल स्टोरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमारे पास बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ हम सीखेंगे। ओके, और उससे पहले मैं आपको एक जो स्टोरी है पूरी, आप जो 4 pictures आप देख रहे हैं आपकी बुक में, मैं पहले एक आपको जो होल स्टोरी है इसके जो सारी बातें मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में जो है, फिर हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जो वर्क हमें करना रिटर्न करना होगा हम इसमें करेंगे। ओके, नाउ देखिए सीड क्या होता है, एक बीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एक सीड से ही आपका एक प्लांट की जर्नी स्टार्ट होती है। मीन्स वो पहले क्या होता है, एक ट्री। तो पहले सीड, एक सीड को हम किसी आपके मॉइस्चर वाली जगह सॉइल में हम उसको क्या करते हैं, बुरीड करते हैं, मीन्स उसको गाड़ देते हैं, फिर सम टाइम्स बाद वो मॉइस्चर और एयर के द्वारा क्या हो जाता है, वो स्प्राउटेड होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वो स्प्राउटेड होने के बाद उसमें से लीव्स, स्टेम, ये जर्मिनेट होते हैं। फिर वो आपका धीरे से आपके जो अर्थ लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, मिट्टी से बाहर निकलता है। ओके, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर प्लांट बनता, पौधा बनता है आपका, फिर वो आपका थोड़ा सा और टॉल होता जाता है और देन आपके 3 to 5 years में वो एक क्या बनता है, ट्रीज बनता है, उसमें फल लगना चालू होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। ओके, तो आपके मैं ट्रीज की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 3 or 2 months में ही आपके फ्रूट्स लगने लगते हैं। ओके, तो वो प्लांट्स, और वो प्लांट्स अलग होते हैं, ट्रीज अलग होते हैं। ओके, तो मैं जो पहला पिक्चर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, ये सीड है, ये सीड आपका लाइंग ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पर डला हुआ है। ओके, आफ्टर सम डेज उसको क्या मिलता है, वो मॉइस्चर और बगैर आपके थोड़ा सा मिट्टी में गड़कर वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाता है आपका, उसमें नमी आ जाती है, फिर वो आपका फिर रेन होने लगती है और उस वो स्प्राउटेड होके उसमें से क्या निकल आती है, लीव्स, आप देख रहे हैं ये। ओके, फिर नियर अबाउट 2 or 3 years बाद वो एक क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। ओके, तो आपको ट्री को हमें ऐसे ही आप पानी में अगर उनको डाल देते हैं तब भी वो मॉइस्चराइज हो जाएंगे, आपको स्प्राउटेड हो जाएंगे, मिस जर्मिनेट हो जाएंगे सीड्स, लेकिन वो ट्री नहीं बन पाएंगे। उनको बनने के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए उनको सॉइल चाहिए, रूट्स, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो आपको प्लांट को खड़ा रखती हैं, मीन्स उसको स्टैंड बाय स्टैंड करके रखती हैं। विदाउट रूट्स आपका कोई भी प्लांट आपका सॉइल में स्टैंड नहीं हो सकता। जैसे हमें खड़ा होने के लिए वी नीड अ लेग्स, ऐसे प्लांट्स को खड़े होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रूट्स की। ओके,
तो पहली जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, बहुत आप कर भी सकते हैं। अभी जो रेनी सीजन है इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, नए ट्रीज को लगाते हैं हम, तो आप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो प्लांट एक सीड है जो कि ग्राउंड पर लाइन डला हुआ है, फिर समटाइम्स उसको थोड़ा सा मॉइस्चर एयर मिलती है, फिर वो आपका मॉइस्चराइज होता है, फिर समटाइम्स बाद वो जर्मिनेटेड हो जाता है एयर के द्वारा, रेन के द्वारा, और फिर आपका 1 3 to 5 years में वो एक कंप्लीट ट्री बन जाता है। ओके, तो ये थी होल स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ प्लांट ऑफ ट्रीज फ्रॉम सीड टू ट्री। ओके, नाउ वी राइट द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट दिस पिक्चर दैट आर, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। आप पहली पिक्चर में क्या देख रहे हैं, तो हम पहले ओके फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं, अ सीड अ सीड ओके LING लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखिए अ सीड LING लाइंग ऑन द ग्राउंड, किस पर लेटा हुआ है, वो ग्राउंड पर लेटा हुआ है, टी नहीं है वो एल है। ओके LING लाइंग ऑन द ग्राउंड पर है। व्हाट इज सीन इन द सेकंड पिक्चर, आप सेकंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम्स उसको क्या मिल जाता है, उसको एयर एंड मॉइस्चर के द्वारा वो क्या हो जाता है, मॉइस्चर जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो हम इसमें लिखेंगे अ सीड इज रेडी टू जर्मिनेट। देखिए जर्मिनेट के, अ सीड इज रेडी टू जर्मिनेट, RED रेडी टू GER जर्मिनेट। जर्मिनेट मीन्स उसमें से पौधा, वो एक प्लांट बनने के लिए क्या है, रेडी है। जर्मिनेट में मतलब होता है उसमें से निकल, आप देख रहे हैं ये जो निकला इसको कहते हैं जर्मिनेशन, क्या कहते हैं इसको, जर्मिनेशन। ओके, दिस सीजन इज सोन इन द थर्ड पिक्चर, तो थर्ड पिक्चर में कौन सा सीजन, डेफिनेटली जो सीजन अभी चल रहा है तो ये मॉनसून सीजन या रेनी सीजन। तो थर्ड पिक्चर में कौन सा सीजन है, रेनी सीजन सोन इन द थर्ड पिक्चर, थर्ड पिक्चर में कौन सा है, रेनी सीजन है। ओके, देख रहे हैं बारिश कौन सा सीजन में होती है, मॉनसून सीजन में, जो अभी हमारा चल रहा है ये मिड ऑफ 15 जून टू 15 सितंबर तक आपका कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। ओके, व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर, फोर्थ पिक्चर में क्या हुआ, आपका प्लांट आपका सीड जर्मिनेट हुआ, फिर वो प्लांट बना और प्लांट से एक कंप्लीट वो क्या बन गया, ट्री बन गया। तो लिख देंगे हम आ सीड बिकेम कंप्लीट ट्री, वो क्या बन गया, एक कंप्लीट ट्री बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड, कुछ आपके पिक्चर से आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका वो सीड, आपका जो सीड होता है वो एक टीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बीस लर्न मोर अबाउट सीड्स। तो सीड्स बहुत सारे आपके होते हैं, कई आपके अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग ट्रीज और अलग अलग जो भी डिफरेंट प्लांट्स ट्रीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। ओके, आपका
सेम प्लांट से आपका अगर वो मैंगो का सीड है तो उसमें से मैंगो ही निकलेगा, आपका नीम नहीं हो जाएगा। अगर वो पपाया का सीड है तो उसमें से पपाया का ही ट्री बनेगा, आपका क्या नहीं बनेगा, मैंगो ट्री नहीं बन जाएगा उसमें से। ओके, तो आपको जो सेम का जो सीड होते हैं वो सेम काइंड आपका ट्री को ग्रो करते हैं, उसमें से दूसरा ट्री हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो नाउ टर्न द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 22। देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्या किया, बहुत सारे सीड्स को हमने कलेक्ट किया, डिफरेंट काइंड ऑफ सीड को हमने कलेक्ट किया। ओके, लार्ज अमाउंट में हमने बहुत सारे सीड को हमने कलेक्ट कर लिए, जैसे बीन हुआ, ग्रीन ग्राम हुआ, पीजन पीस हुआ, ओके, ग्राम हुआ, वीट हुआ, मेज हुआ, बाजरा हुआ, आपका आपका मसूर हुआ, ठीक है, आपके बहुत सारी दाल हैं जो पल्सेस हैं हम बोल ले सकते हैं, वीट हुआ, ओके, राइस हुआ, तो ये सारे क्या हैं आपके सीड्स हैं। इसको हमने कलेक्ट कर लिया और सभी को कलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, एक बैग में इकट्ठा किया और मिक्स कर दिया। ओके, ठीक है, अब मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे चिल्ड्रन को इनको बांट दिया, मीन्स थ्री ग्रुप्स में हमने इनको बांट दिया, चिल्ड्रन को लिए और इन सीड्स को हमने ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब क्या करना है, अब उसमें हमें एक एक्टिविटी करेंगे हम, और उस एक्टिविटी से हम बहुत कुछ सीखेंगे, नॉलेज हमें मिलेगी। तो देखिए क्या है वो एक्टिविटी, ब्रेक ईच डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विथ आ स्टोन। अब क्या करना है, हमने जो स्टोन थ्री ग्रुप्स में स्टूडेंट को डिवाइड किया, उनको प्रोवाइड किए थे, अब उनको क्या करना है, हमें उन स्टोन्स को हमें क्या करना है, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सॉरी स्टोन्स को नहीं, सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब उन सीड्स को स्टोन की मदद से हमें क्या करना, ब्रेक मीन्स उनको तोड़ना है, क्या करना है हमें, तोड़ना है। ओके, अब देखिए हमें तीन कैटेगरी में उनको डिवाइड करना है, किसमें, अब देखिए आप ब्रेक करते हैं सीड को, तो पहला है हमें उन सीड को आया एक तरफ करेंगे, रखेंगे हम एक कैटेगरी में, जो ब्रेक करने पर टू हाफ्स यानी बीच से टूट जाते हैं, दो अलग पार्ट्स में वो हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के हम सीड अलग कर लेंगे, दूसरे उस प्रकार के सीड हम अलग करेंगे जिनको ब्रेक करने पर वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स जिनको ब्रेक किया तो वो टू हाफ्स में भी नहीं टूटते और वो ब्रेक हो जाते पाउडर के फॉर्म में। ओके, तो उनको अलग कर लेंगे, दूसरे तीसरे जो थर्ड प्रकार के सीड है उनको हम ऐसे अलग करेंगे, उनको ब्रेक तो होंगे वो, लेकिन अगर उनको रब करेंगे तो उनमें से क्या आ जाएगा, ऑयल पैचेस आएंगे, क्या आ जाएगा, ऑयल, तो ऐसे हम सीड्स अलग रख लेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए हमने कैटेगरी इनको डिवाइड कर लिया, समझ में आ गया, एक उनको हमने डिवाइड किया, सेपरेट किया, जिनको ब्रेक करने पर टू हाफ्स यानी टू इक्वल पार्ट्स में टूट रहे हैं, दूसरे हमने उनको अलग कर लिया जो कि किसमें टूट रहे हैं आपके, पाउडर के फॉर्म में, तीसरे हमने उनको अलग कर लिया जो कि किस फॉर्म में टूट रहे हैं आपके, ऑयल पैचेस के फॉर्म में, जिनमें से आप अगर उनको रब करो हैंड से तो आपके हैंड पर ऑयल पैचेस मीन्स तेल के क्या आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। ओके, तो ये आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर लिया लाइक दैट। नाउ तो अब क्या करना है, अब हमें, अब देखिए थिंक एंड राइट जो कॉलम है उसमें हमें सोचना है और लिखना है, सीड्स विथ टू इक्वल हाफ्स, देखिए ऐसे सीड जिनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, तो मोस्ट ऑफ दी जो ऐसे सीड्स होते हैं वो होते हैं आपके क्या, पल्सेस, जिनको हम हिंदी में कहें दालें, तो ये आपके जो मोस्ट ऑफ दी है वो किसमें होते हैं, जो दालें होती है, जब आप इनको ब्रेक करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ दी किसमें ब्रेक होती है, टू हाफ्स में, मीन्स आपके दो टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, तो उन दालों के हम नेम यहां पे लिख सकते हैं, जैसे एक तो हुआ ग्रीन ग्राम, एक आपका ग्राम हो गया, ठीक है, बीन्स हो गई आपकी, ओके, आपकी बीन्स,
ठीक है, आपकी किडनी बीन्स भी आपके टूट जाती हैं। ओके, तो दूसरा आप ले सकते हो ग्रीन ग्राम हो या आपका अनादर, आप एक कोई सी भी दाल भी लिख सकते हो। वहां पे हमने लिख दी मसूर। आप अरहर या तुअर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये दाल हमने लिख दी ना। तो दूसरे जो पाउडर के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, मिस पाउडर के फॉर्म में ब्रेक होते हैं, जिनको हमने तोड़ा, ये तो पहले वाले हो गए जो टू हाफ्स में डिवाइड होते हैं। दूसरे वो वाले हैं जिनको हम अगर पत्थर से ब्रेक करते हैं तो वो पाउडर के फॉर्म में ब्रेक होते हैं। तो उन वो एक्चुअली वो होते हैं आपके क्या, सेरल्स, अनाज जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या होते हैं, सेरल्स, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हम लिखेंगे। देखिए, तो पहला है आपका व्हीट, दूसरा है आपका राइस, तीसरा है आपका मेज, चौथा है बार्ली। आपको राइटिंग समझ में आ रही है? आप देखिए स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा, MAIZE मेज। ओके, VARLEY बार्ली। ओके, तो ये है आपके सेल्स जिनका हम अनाज के रूप में यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब हम इनको स्टोन से आप ब्रेक करोगे तो किस फॉर्म में टूटेंगे, आपके पाउडर के फॉर्म में। ओके, अब देखिए, अब ऐसे हम उनकी बात करेंगे जो आपके किसके फॉर्म में टूट जाते हैं। अब थर्ड वाले जो होंगे वो ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रेक करेंगे और रब करेंगे तो हमारे हैंड पर ऑयल पैचेस आ जाएंगे, मिस तेल के दाग आ जाएंगे, या पेपर पे भी आपके क्या, आप उनको क्रश करोगे, प्रेस करोगे, तब भी उनमें से ऑयल निकलने लगेगा। तो इनको हम बोलते हैं ऑयल सीड, तिलहन बोलते हैं। इनका यूज मोस्ट ऑफ दी हम करते हैं किसके लिए, हम करते हैं ऑयल को निकालने के लिए। किसका यूज करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो इसमें सबसे फेमस है आपका सोयाबीन। सोयाबीन आपका सबसे मोस्ट फेमस, जो सबसे, फिर आपका मस्टर्ड, फिर आपका है ग्राउंड नट, यानी मूंगफली। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ द इनका यूज हम, इनका ऑयल का हम यूज करते हैं। इनको एडिबल ऑयल भी बोलते हैं, कुकिंग ऑयल भी बोलते हैं, इनका हम यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, सनफ्लावर भी हुआ आपका, इसका भी ऑयल निकलता है। ओके, तो ये हैं आपके कोई ऑयल सीड जिनका हम यूज करते हैं किसके लिए, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब हमने क्या समझा, तो ऑयल थ्री टाइप्स के होते हैं मोस्ट ऑफ दी, जो कि किस फॉर्म में हो सकते हैं आपके, एक आपके पल्सेस के फॉर्म में, दूसरा आपका सेरल्स के फॉर्म में, और तीसरा ऑयल सीड के फॉर्म में। तो तीनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग तरीके से हम उनका यूटिलाइजेशन करते हैं तीनों का। ओके ना, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 23। मेक अ लिस्ट ऑफ सीड्स, राइट द नेम्स ऑफ सीड विच यू हैव सी और यू नो अदर देन द सीड मेंशन ऑन द पेज नंबर 20। अभी इसमें जो सीड लिखे हैं इनके अलावा जो सीड आप जहां देखे हैं आपने उनको लिखना है, और जिनको नहीं देखा आपने उनको लिखना है। ओके, तो देखिए आप लिख सकते हैं, बहुत सारे सीड्स आपने देखे होंगे, जैसे आपने आपने ग्राउंड नट हम लिख चुके हैं, इसमें लिख चुके हैं, वो उनको नहीं लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 23 आपको मैं होमवर्क में दे दूं। ओके, तो आपने जो सीड्स देखे होंगे हम लिख सकते हैं, जैसे बाजरा, बाजरा आपका हिंदी में जिसको बोलते हैं अरहर। ओके, आपने देखे होंगे अरहर हो गया आपका। आपके ट्रीज के भी सीड होते हैं, मैंगो का सीड आपने देखा होगा। ओके, मैंगो आपका,
पपाया, चिलीज। ओके, इनके आपने देखे होंगे, चिलीज हो गए आपके, पपाया हुआ, ब्रिंजल। तो इनके आपने सीड्स देखे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनके आपने सीड नहीं, सीड बनाना। बनाना का वैसे कोई सीड्स नहीं होता है, ओके। बनाना का कोई सीड नहीं होता आपका, ओके। बनाना हुआ आपका, आपने नहीं देखा होगा, किसका, बीट रूट। ऑनियन, और आपने नहीं देखा होगा किसका, पोटैटो। पोटैटो का सीड नहीं होता, इसको इसकी आइस के थ्रू इसको लगाया जाता है। पोटैटो एक्चुअली क्या होता है, स्टेम होता है, ओके। तो बनाना, बीट रूट, ऑनियन, आपने कैरेट का भी नहीं देखा होगा वैसे तो, ओके। कैरेट आपने, राइस तो देखा ही होगा सभी ने। आप और क्या लिख सकते हैं, अदर आपका, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स, ओके। नाउ अनादर आप लिख सकते हैं, पोटैटो का नहीं देखा, बीट रूट आपने, आना आप सोच के लिख सकते हैं, या आप एक और, वन मोर, आई थिंक जो आपने नहीं देखा होगा। रेडिस, तो ये आपने नहीं देखे होंगे ना। अब क्लासिफाई द सीड टेबल गिवन बिलो। अब ये जो हमने सीड्स लिखे हैं, इतने आपके जो सीड्स हमने लिखे हैं, इनको हमें क्लासिफाई करना सेरेंस पल्सेस ऑयल सीड्स में। तो देखिए, कुछ आप इसमें से वेजिटेबल्स हैं, कुछ आपके फ्रूट्स भी मैंने लिख दिए हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप इसमें कुछ नेम्स लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जो आपके क्या हों, सेरल्स हों, पल्सेस हों, ऑयल सीड्स हों, ओके। तो इसमें से मुझे लगता है सेरल्स में आपका क्या है, बाजरा आएगा, आएगा पहला आपका बाजरा। इसमें से पल्सेस में आज आपका आ जाएगा अरहर, ओके। और ऑयल सीड्स में तो आपका इसमें से कोई सा भी नहीं है, ओके। ऑयल सीड में मैं सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, आपका और किससे हम ऑयल का, कोकोनट आप लिख सकते हैं, उसका भी ऑयल होता है, लेकिन कोकोनट ऑयल सीड में नहीं आता है। कोकोनट किस में नहीं आता, ऑयल सीड में। बाजरा हो गया आपका, ठीक है। बाकी मैंने आपको जो लिखे हैं वो एक्चुअली क्या है, आपका वेजिटेबल्स लिख दिए हैं मोस्ट ऑफ द, क्योंकि इनके सीड्स होते नहीं हैं, ओके। इनको हाइब्रिड करके बनाया जाता है, सीड्स होते हैं लेकिन आपको मोस्ट ऑफ दी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये है आपका टोटल एवोल्यूशन ऑफ सीड्स, ओके। अभी हमने डिस्क्राइब की सीड्स को, ओके। तो आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे सेरल्स और भी आप लिख सकते हैं जिनको हम खाने में यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, बाजरा, इन सभी का हम यूज करते हैं। आप कॉर्न हुआ, आप सेल्स में कॉर्न, मक्का जिसको हम कहते हैं, इसका हम यूज करते हैं। पल्स इसमें आप लिख सकते हैं, अरहर हो गया आपका, मसूर हो गया, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो गया, ओके। ब्लैक ग्राम हो गया, फिर आपका पल्सेस में यूज करते हैं कोकोनट ऑयल सीड में, आपका सनफ्लावर, ओके। तो वैसे ऑयल सीड में आपका जो निवोली है, नीम है, ये आता है आपका। इसका जो नीम का ऑयल है, इसका यूज किया जाता है एज अ मेडिसिनल, मेडिसिन के रूप में, खाने में नहीं करते। नीम की जो निवोली होती है, सीड होता है, उसको आप क्रश करोगे, तोड़ोगे, तो वो आपको किसके फॉर्म में मिल जाएगा, आपको आपको वो उसमें से ऑयल निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सेरल्स में हम
बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं नाउ कम टू द पेज नंबर 24। ये है आपका होमवर्क। सीड्स स्प्लिट इन टू इक्वल हाफ्स आफ्टर ब्रेकिंग। यहाँ पे आपको वो सारे सीड्स लिखने हैं जिनको आप ब्रेक करोगे तो टू हाफ्स में हो जाए। सीड कन्वर्टेड इन टू मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ पाउडर आफ्टर ब्रेकिंग। तो हम पहले ही ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, ठीक है। तो आपको वहां से आपको देखकर इसमें फिल कर लेना है, ये आपका वर्क है। दूसरा, अब एक और आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, देखिए जो सीट टू हाफ्स में आपके क्या हो गए, डिवाइडेड हो जाते हैं, मीन्स आपके टूट जाते हैं, उनको बोलते हैं डाइकोट सीट्स। क्या बोलते हैं उनको? डाइकोट सीट्स। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, सीट विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, मीन्स दो बराबर भागों में जो डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं डाइकोट सीट्स, मीन्स मोस्ट ऑफ द जो पल्सेस हैं आपकी। दूसरा, जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते, कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स, नोन एज मोनोकॉट सीड्स, मीन्स जैसे आपके सेल्स हुई, आप इनको ब्रेक कर, ऑयल सीड भी आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपके किसमें डिवाइड, इनको हम कहते हैं क्या, मोनोकॉट सीड। डाइकॉट यानी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और मोनोकॉट जो टू इक्वल हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो, मतलब दो बराबर भागों में जो डिवाइड नहीं हो रहे वो मोनोकॉट है, जो हो रहे हैं वो डाइकॉट है। तो ये है आपके, ठीक है। तो सीड्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पल्सेस मीन्स सीड्स को हम पहले तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, जो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाए उनको मोस्ट ऑफ द पल्सेस कहते हैं, जो पाउडर के फॉर्म में बने उनको हम सेरल्स कहते हैं, जिसमें से ऑयल पैचेस निकले उनको ऑयल सीड्स कहते हैं। अब हमने पढ़ा जो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं, जो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते उनको हम मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपका जो टेबल पेज नंबर 24 पर है इसको आपको फिल करना। व्हीट, पिजन पीस, मस्टर्ड, रिप्ड गार्ड, बाजरा, मेज, ये कुछ हैं आपको, इनमें मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में आपको फिल करना है। आप फिल करिए, आपको नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो यू हैव टू ट्राई टू फिल द बुक करेक्टली, ओके। और आपको फिल करके, आपका वर्क कंप्लीट करके बिफोर 5 PM आपको सबमिट करना है। अब जिन स्टूडेंट ने, नेम है मेरे पास, किस किस ने सबमिट किया, जिसने भी नहीं किए हैं वो सबमिट करेगा आज वर्क पूरा कंप्लीट करके, ओके। और आप टाइम टू टाइम वर्क करेंगे तो कभी आपका वर्क क्या नहीं होगा, पेंडिंग नहीं होगा। सो यू शुड टू ट्राई टू मेंटेन द वर्क ऑन टाइम एंड सबमिट वर्क बिफोर 5 PM, ओके। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ओके। मैं उसी टाइम पर दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप वर्क कंप्लीट करें। आपको नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ओके। वर्क लेकिन टाइम से करिए और सबमिट करिए, ओके। थैंक यू।